हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पैरट को इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी लैपटॉप में, ठीक है, हार्ड डिस्क में या फिर SSD में, जो भी आपका होगा वो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बूट करके यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट आप सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, आपको पैरट इंस्टॉल करके बताऊंगा। तो पैरट इंस्टॉल करने के लिए आपको एक नीड होगी, आपको एक पेन ड्राइव ले लेना है, ठीक है, 16 GB या फिर 32 GB का होगा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक पेन ड्राइव है, यहाँ पे इसको फोकस करूँगा, कौन सी पेन ड्राइव है, देखिए सैंडिस है, ठीक है, आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, इसको मैं फोकस किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेंटोए को इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। वेंटोए एक सॉफ्टवेयर है जो कि बूट करने में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। तो वेंटोए को इंस्टॉल कर लेना, देन इसके स्टोरेज में, अगर आपको पता नहीं है कि वेंटोए में किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इस वीडियो में आपको बस इतना बताऊँगा, बूट करके आप अपने लैपटॉप में या फिर PC में किस तरीके से एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, पैरट को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने इसमें ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया, वेंटोए और पैरट OS को इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें नहीं इंस्टॉल करूँगा, इसमें ऑलरेडी विंडो है, तो मैं इस लैपटॉप में इंस्टॉल करने वाला हूँ गाइस, ध्यान से देखिए। तो ये है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, इसको इंसर्ट करा दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने प्लग कर दिया, ठीक है, आपके USB पोर्ट में। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें विंडो भी इंस्टॉल है, पैरट भी इंस्टॉल है, तो सबको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, वो है पैरट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बूट मेनू को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बूट मेनू ओपन होगा, ये देखिए गाइस, ये आप देख सकते हो, दिख नहीं रहा होगा क्लियर, हाँ अभी देखिए। तो यहाँ से बूट मेनू में F9 क्लिक करेंगे, F9 यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम में अलग अलग बूट मेनू का ऑप्शन होगा, तो आप उसको बूट मेनू पे ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं F9 पे क्लिक करूँगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, ये ओपन हो गया। तो हमारी जो पेन ड्राइव है, जो हमारी पेन ड्राइव थी सैंडिस्क की थी, ठीक है, तो मुझे पता चल गया ये वाला, ये देखिए सैंडिस्क दूसरा नंबर, ठीक है। OS बूट मैनेजर के नीचे है USB हार्ड डिस्क, यहाँ पे देखिए UEFI, ठीक है, तो हम यहाँ पे UEFI से बूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे करूँगा, ये देखिए, और यहाँ पे इसको एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे वेंटोए मेरा ओपन हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अगर पता नहीं है किस तरीके से वेंटोए को इंस्टॉल करके पेन ड्राइव में और पैरट को डालते हैं, मैं आपको वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख के समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे बूट इन नॉर्मल मोड पे क्लिक करना, ओके गाइस। तो कुछ इस तरीके का पैरट का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब लिखा है यहाँ पे ट्राई इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे देखिए पैरट ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे बूट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर तुम्हारे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोगों को, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे हम सब कुछ ओपन हो गया है, ठीक है, पेन ड्राइव को निकालना नहीं, ओके। तो इंस्टॉल पैरट पे जाना और उस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वेलकम टू द कलम्ब्रस इंस्टॉलर फॉर पैरट OS 5.1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको इंस्टॉल करने का, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपना रीजन एंड टाइम जोन, ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट हो गया है, देन नेक्स्ट क्लिक करना, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, ठीक है,
इंग्लिश रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शन है, इंस्टॉल अलोन साइड, रिप्लेस पार्टीशन, इरेज डिस्क एंड मैनुअल पार्टीशन। इसमें ये बोल रहा है गाइज, अगर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, दूसरे डिस्क में, एक डिस्क में कुछ इंस्टॉल है, फिर दूसरे डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हो और रिप्लेस करना है पार्टीशन को, और एक ही डिस्क है आपके पास, उसको इरेज करके बस आपको पैरेट इंस्टॉल करना है, बस वो करना है, तो उसके लिए है मैनुअल पार्टीशन। अगर आप एक डिस्क में दो पार्टीशन बना के एक डिस्क को स्पेस के लिए छोड़ना चाहते हो, या फिर अलग दो बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो, उसके लिए है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, हमें सिंगल एक ही डिस्क में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो इरेज डिस्क पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज डिस्क पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नो स्वैप का ऑप्शन है, तो वहाँ पे नो स्वैप में जाएंगे हम। नो स्वैप पे जाने के बाद यहाँ पे स्वैप टू फाइल एंड स्वैप टू विथ हाइब्रिड, तो यहाँ पे हमें स्वैप करना है स्वैप विथ हाइब्रिड, यहाँ पे क्लिक करना गाइस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ओके। तो फिर इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, फिर देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका सिस्टम का नाम या फिर अपना नाम लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक शैडो जोन, जो भी नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बाइक अनुभव लिखता हो या फिर टेक शैडो जोन या फिर जो भी नाम रहेगा यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम गाइस कंप्यूटर का नाम या फिर नाम अपना डालना चाहते हो या फिर कुछ अलग कंप्यूटर का नाम देना चाहते हो तो वो देख सकते हो। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए, ओके। तो उसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करोगे आप, तो यहाँ पे हो गया है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देखिए, देन यहाँ पे आपको फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा डिलीट करके जितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया रहेगा आपने, वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा पैरट को, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, जब तक आपको फिनिश का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक के लिए आप पीसी को ऑफ मत करना, ठीक है। इंस्टॉल होने में आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे 15 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, 15 से 20 मिनट तक लगेगा, डिपेंड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप हार्डवेयर सॉल्यूशन अच्छा है तो जल्दी से ये इंस्टॉल कर देता है 10-15 मिनट में, ठीक है। मिनिमम 4 GB रैम आपका, हाँ 4 GB रैम, और हार्ड डिस्क में जो भी आपका 250 रहेगा उसमें भी चल जाता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं गाइस, जब तक के लिए इंस्टॉल नहीं होता तब तक के लिए, ये इंस्टॉलेशन पूरा होते ही आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए, ओके। गाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है पैरट ओएस, तो ऑल डन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना, ठीक है, रिस्टार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है गाइस, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है, ये देखिए बूटिंग स्टार्ट हो गई। तो पैरट ओपन हो गया आपका, तो फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आप अपनी यहाँ पे जो लॉगिंग टाइम जो पासवर्ड को रिपीट किए थे वो पासवर्ड डालना होगा, देखिए, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। तो फाइनली इंस्टॉल हो गया, अब आप अपनी ये जो पेन ड्राइव है उसको निकाल सकते हो, नो इशू, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जो SSD या फिर जो भी हार्ड डिस्क है उसमें इंस्टॉल हो गया है। तो बस ये वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।